कुछ समय यहाँ बैठने से मन को थोड़ा शांति मिला कि भाई जिस जगह पे हम लोग आंदोलन कर रहे थे यहाँ पे आके दो पल हम लोग बैठ ले जाते हैं कि 25 तारीख तक अगर विधानसभा में इटा 1932 ना पारित होता है तो हमरी एकदम स्पष्ट है कि हमरी के धोती साड़ी योजना ना चाहिए। तो विधायक से पूछल जीता है कि 30 दिन जो तो रह लें सदन में, झारखंड के लिए की कर लें, झारखंड के गिदर सब के लिए की नीति लगेली, की नियोजन लगेली। आज हम फिर राजभवन के वो धरती टैज बैठे ली हमारे विकास दा, हम इधर से पार हो बोली तो सोच ली भैया जहाँ 16 दिन हमने रही ने अपन सीएम दादा से मिले खातिर, वो तो उस दिन मिलो ना, लेकिन कम से कम वो जमीन डा में फिर आई के आज हमने बैठ ले। 14 तारीख के विधानसभा घेराव रखल हथिन, उठा के एगो परिचर्चा हल चर्चा हल कि रूपरेखा तय हल कैसे बहरे थी कैसे लोग अते। जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर झारखंड 32 खतियान को लेकर कुछ दिन पहले तक धरना प्रदर्शन जारी था और फिर यहां पे बहुत सन्नाटा छा गया और आज फिर हमें यहां पर दो बंदे दिखे। आप जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि दो लोग बैठे हुए हैं, ये आंदोलन करने आए हैं, धरना पे बैठने आए हैं या क्या मामला है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप लोगों का धरना समाप्त हो चुका था, आप लोग चले गए थे यहाँ से और आज आप दो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आपका फिर से आपको धरना पे बैठना है या फिर कुछ और मामला है? देखिए अभी हम लोग रांची आए हैं और चूंकि माननीय विधायकों के द्वारा हम लोगों को 2-3 दिनों का समय दिया गया था, तो चूंकि हम लोग इस जगह को बहुत याद कर रहे थे कि जहाँ हम लोगों ने 15-16 दिन बिताया सब साथियों ने, और आज इस जगह पे हम लोग फिर बैठ के महसूस कर रहे हैं कि ये आंदोलन क्या होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और 2-3 दिनों में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और 14 तारीख को हम लोग का जो विधानसभा का घेराव है उसको हम लोगों को सफल करना है, कुछ साथियों से हम लोगों को मिलना था, इसलिए हम लोग रांची आए हैं। 14 तारीख को देखिएगा विधानसभा का जो घेराव होगा, हमने पहले भी कहा था कि 25 तारीख तक का सदन है और 25 तारीख के बाद सभी विधायक क्षेत्र में जाएंगे, तो अपनी ताकत को दिखाना है, पूरे राज्य के लोग 14 तारीख को आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, तो हम लोग इसी क्रम में यहाँ आए थे और कुछ समय यहाँ बैठने से मन को थोड़ा शांति मिला कि भाई जिस जगह पे हम लोग आंदोलन कर रहे थे यहाँ पे आके दो पल हम लोग बैठ ले जाते हैं। आपका अगला कदम क्या है? देखिए 14 तारीख का हम लोग का विधानसभा का घेराव है, उसके बाद जो भी कमेटी निर्णय लेगी उसके अनुसार हम लोग आंदोलन करेंगे और हम भी एकदम झारखंडी सब एकदम इटा ठान ले ली है कि 25 तारीख तक अगर विधानसभा में इटा 1932 ना पारित होता है तो हमरी एकदम स्पष्ट है कि हमरी के धोती साड़ी योजना ना चाहिए, हमरा 35 किलो के अनाज ना चाहिए, हमर बेटा के नौकरी है जीते अपन माए बाप के लिए वो बढ़िया साड़ी बढ़िया धोती करता है, और कोई विधायक के रोड नाली के हमरी उद्घाटन ना करवाए, हमारे नौकरी है जीते तो हमें अपन घर में चापाकल लगा लेवे, हमारा विधायक मत और मैंने सरकारी चापाकल भी नहीं चाहिए, सरकार पर हमरी का आश्रित नहीं रहना है, झारखंडी के पहचान चाहिए, झारखंडी के रोजगार चाहिए, क्या कि झारखंड में हमारे 40% खनिज संपदा है और हमरी गिदर सब बाहर जाके रहते हैं, माए माटी से दूर रहते हैं, तो ईटा अब हेते ना, अब यहाँ स्थानीय नीति 1932 के आधार पर लगवे आते हैं, नियोजन नीति लागू करे जाता है और झारखंडी गिदर सबके यहीं रोजगार दिए जाते हैं। जय मुख्यमंत्री बोला हला कि आज 12 लाख प्रवासी मजदूर बाहर है तो की ले रहते है, जब हमारे यहाँ जल जंगल जमीन सब कुछ झारखंड के कोयला से पूरा राज्य पूरा देश रोशन है रहा है और झारखंड के गिदर सब बाहर रहते हैं तो वो सब अब चलते हैं ना, आंदोलन है उग्र आंदोलन है कहीं रोड नाली के जब शिलान्यास ना आते सब विधायक से पूछल जीता है कि 30 दिन जो तो रह लें सदन में, झारखंड के लिए की कर लें, झारखंड के गिदर सबके लिए की नीति लगेली, की नियोजन लगेली, तो अब विधायक सबके भी जवाब का खातिर अब रोड अब जब तो जीबे गाँव में तो अब लोटा में पानी दे के हमारी स्वागत नहीं करबो, सबसे पहले पूछबो कि जे सदन टा चल लो और में तो नहीं झारखंड इतमें की बात रख ली की कर ली, तो ऐटे का बात है और आवे वाला दिन में नया झारखंड बनते नया झारखंड बनते, क्योंकि विधायक सबके भी हमरी कह दिलिए कि विधायक मंत्री मुख्यमंत्री तो बन हमरी दिक्कत ना हो, लेकिन झारखंडी की इधर के पहचान दे, नौकरी दे, नियोजन दे और हमरी के कुछ नहीं चाहिए। आज हम इन 16 दिन सबके पहले खतियानी जोहार रहते झारखंडी जोहार रहते, आज हम इन फिर राजभवन के वो धरती टैज बैठे ली हमारे विकास दा, हम इन इधर से पार हो बोली तो सोच ली भैया जहाँ 16 दिन हमने रही ने अपन सीएम दादा से मिले खातिर, वो तो उस दिन मिलो ना, लेकिन कम से कम वो जमीन डा में फिर आई के आज हमने बैठ ले, क्या यहाँ तन बड़ी रौनक रहा है, हम इनके पुलिस गिलाऊँ कह कि एक आप लोग चल गए थे ना अब हम खूब मन नहीं लागे, तो हम इनके लिए चल बैठ ले। तो रांची आवे के मेन उद्देश्य अटे हल कि हमने विधायक सब कह रहा 3 दिन बाद 4 दिन बाद मिले वो, लेकिन सोमवार या मंगल के हम इनके भेंट करे तो हम इन झारखंडी अपन वह दिन टे याद करे खातिर विधायक सब के पास आए रही कि तुम्हें तो 3-4 दिन कह रहे हैं तो नहीं मिले ले की बात है, नहीं अटो में हमने संग धोखा आ गए तो कह लो ना सोमवार या मंगल के तो टाइम फाइनल है।
तो इनके मिलेबो भेंट कराए देवो सब बात राख ले भी। और दोसर चीज़ हो कि 14 तारीख के यहाँ के मूलवासी आदिवासी जितना कमेटी सब हथिन ओखिन सब हमारा गीता श्री दी सूर्य सिंह बेसरा दा और जितना प्रेम साही दा मने राजू दा मने सबके हम नाम जाना है, लेकिन जितना दादा सब यहाँ 14 तारीख के विधानसभा घेराव रखल हथिन उठा के एगो परिचर्चा हल चर्चा हल कि रूपरेखा तय हल कैसे बहरेबथिन कैसे लोग अत ये सबके एगो आपस में हमें तय कर ले रही कि 14 तारीख एकदम ऐतिहासिक घेराव रहते कि विधानसभा के पता चलना चाहिए 400 करोड़ के घेरे जाए झारखंडी सब और यदि हम इन 40,000 ना जीव तो उतना बड़ो महल टाकरो बेजती है। तो वह चलते हम इन स्पष्ट तय कर ले ली कि एकदम 14 तारीख के ऐतिहासिक घेराव होते और हम इनके जो खतियान स्थानीय नीति की मांग है उटा 25 तारीख जब तक सत्र खत्म होते ओकर पहले विधानसभा में पारित हो जाना चाहिए पास हो जाना चाहिए क्या कि हम इन सब है उम्मीद से लड़ रही कि हम इन मार्च के जो फगुआ मनेबे हम इन चाहे कि स्थानीय नीति के साथ मनेबे और होली के रंग टा हमनी परास के फूल के रंग लगेबे जो छूटते ना और हम इन एटे सोच के हम इन तैयारी मीटिंग में ही कि 14 तारीख जितना भी भाई सब सुने या कम से कम तोर चैनल के माध्यम से जे आसपास के या कोई काकरो ना है कहे तो कहे कि झारखंडी लड़ाए हो सबके अपन घर से निकलना हो हमर विकास दाई सब त्रितनाथ आकाश दाई सब और गीताश्री मैडम ये सब अमित दाई सब सबका है न जयराम दाई सब सबका है 98 कदम अपन घर से बाहर आए दल है बस झारखंडी सबके 2 कदम चलना हो घर से बाहर और स्थानीय 1932 खतियान ले लेना हो ऐटे के हम सबके कहो कि 14 तारीख के एकदम उलगुलान कर देना हो और अपन आदिवासी भाई मूलवासी भाई सब अपन जोनतरी हमनी रहन सहन ढोल नगाड़ा बाजा जोनतरी अपन रहन सहन हम इनके हो वैसने आना हो और ये विधानसभा घेराव के एकदम चारों बाटेले घेर के हुक्का पानी जाम कर देना हो और हमार स्पष्ट कहना हो कि अगर कोई भी गेंट रह तो सबसे पहले हामिन चढ़े काम करब हामिन तब तक नहीं रुकब जब तक विधानसभा के द्वार नहीं पहुँचब और हामिन बात करके नहीं पूछ लेब कि तोहिन कब लगाए रही खतियान आधारित नीति कहे कि 2-4 गो 6 गो विधायक छोड़ल बाद कोई कुछ ना बोलो लेकिन न्यूज जैसी पूछा थी ना कहे हमरा कोई दिक्कत नहीं है हमरा कोई दिक्कत नहीं है तो भैया ककरा दिक्कत है और चलते स्पष्ट ये हम इनके गुमराह करे काम कर रहा तुम और चलते हमने 14 के सबके पूछ भी लब एकदम कि कोबे लाग रहा है और कितना दिन लगता है और यदि ककरो दिक्कत ना है तो लगुए में की दिक्कत है की विकास था जब लगुए में कोई विधायक के दिक्कत ना है तो फिर की दिक्कत है। तो एकदम 14 तारीख के जितना झारखंडी भाई सब या 2 कदम घर से बाहर दिया विधानसभा की ओर 98 कदम हमने बाहर दिली विधानसभा की ओर जय झारखंड जय जोहार सबके आवे को विकास दाखू जोहार। तो आपने सुना कि ये लोग रांची क्यों आए हैं, 14 तारीख को इनका विधानसभा घेराव है। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।